अमेरिका की तरफ से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे भारत एक बड़ी उम्मीद के रूप में देख सकता है। दरअसल अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट होने के बारे में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बयान पर भी चर्चा की गई। दरअसल बीते दिनों यूएस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यूएनएससी में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व पर अफसोस जताया था। इसी पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य न होना बिल्कुल बकवास है। साथ ही उन्होंने यूएनएससी में अफ्रीका की भी पैरवी की। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा था कि कुछ पहलुओं पर सुधार की जरूरत है। समस्या ये है कि जिनके पास अधिक ताकत है वो इससे छोड़ना नहीं चाहते। भारत के पास यूएन में स्थायी सीट नहीं है। सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद परिषद में भारत को स्थायी सीट नहीं दी गई है, ये बेतुका है। अफ्रीका को भी एक स्थायी सीट दी जानी चाहिए। तो वहीं आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलन मस्क के बयान के बारे में पूछे जाने पर अमेरिका विदेश विभाग के प्रधान उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी टिप्पणी में पहले भी इस बारे में बात की है और सचिव ने भी इस ओर इशारा किया है। हम सुरक्षा परिषद समेत संयुक्त राष्ट्र संस्था में सुधारों का समर्थन करते हैं, सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में भारत में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जारी घोषणा पत्र में पार्टी ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट को लेकर भी बात की गई है। इससे पहले जनवरी में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर जोर दिया था। उन्होंने इस पर कहा था कि कभी कभी चीजें उदारता से की जाती है और कभी इसे हर हाल में हासिल करना पड़ता है। तो वहीं आपको आगे बता दें कि अभी सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस स्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र के नए सदस्य बनाने का अधिकार भी इसी को है। अगर इसमें सुधार होता है तो भारत भी इसका सदस्य बन सकता है। हालांकि भारत इसको लेकर दशकों से कड़ी मशक्कत कर रहा है। तो आखिर में ये भी जान लीजिए कि क्या है यूएनएससी। तो आपको बता दें कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 15 सदस्य देशों से बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर है। तो वहीं 10 गैर स्थायी सदस्य 2 साल से कार्यालय के लिए चुने जाते हैं।